नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 6 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, दो चीज़ें मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि वार्षिक राशिफल और दिसंबर माह का राशिफल भी बहुत जल्दी पब्लिश कर दिया जाएगा। इस हफ्ते ही इसको पब्लिश किया जाना है और सारे रिकॉर्डिंग्स पे अपडेट चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी ही ये आप लोगों के सामने पब्लिश हो जाएगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और स्टार्ट करते हैं आपका जो साप्ताहिक राशिफल है उसमें। सबसे पहले तो 6 दिसंबर की स्थिति और 12 दिसंबर की स्थिति को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में 6 दिसंबर का चार्ट है, चार्ट की जगह डिटेल्स है, सूर्य किस राशि में है, चंद्रमा किस राशि में, कितने डिग्री के हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखिएगा 12 दिसंबर का डिटेल्स है, इसमें सूर्य चंद्रमा मंगल जितने भी ग्रह हैं, नवग्रहों की पूरी स्थिति यहाँ पर लिखा हुआ है। और ब्लैक कलर से जो मैंने हाईलाइट किया उसका विशेष यूज़ यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि राशि परिवर्तन होगा। मंगल का राशि परिवर्तन देखिए वृश्चिक में ऑलरेडी 5 तारीख को होगा, लेकिन 6 को इसका इफेक्ट आते हुए आपको दिखाई देगा, क्योंकि 0 डिग्री का था, धीरे धीरे इसकी डिग्री क्या होगी, बढ़ेगी। तो हफ्ते के अंत में, पिछले हफ्ते के अंत में 5 तारीख को इसका राशि परिवर्तन होना है, लेकिन इसका राशि परिवर्तन होते ही बुध का भी राशि परिवर्तन 10 को हो जाएगा और 8 को शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा। मंगल, बुध, शुक्र, इन तीनों का एक बड़ा बदलाव होने वाला है। ऊपर से 5 ग्रहों की जो युति यहाँ पर बन रही है और उसमें जो ग्रहण लग रहा है ये अपने आप में राजनीतिक भूकंप लेके आ चुका है। यहाँ वो चीज़ें हो रही हैं जो पहले कभी नहीं होती थी, चाहे वो केंद्र सरकार द्वारा किसान वापसी की बात हो, किसान वापसी बिल की बात हो, या दूसरी बात ममता बनर्जी का अकस्मात यूपीए को ये बोलना कि यूपीए है ही नहीं। इसके अलावा जो सदन में बर्खास्तगी किया गया है, लोगों को हटाया गया है, उन सस्पेंड किया गया है, वो भी आप पहली बार ही देख रहे होंगे। तो ये सब राजनीतिक जो मैंने बताया हुआ है, राजनीति में भूकंप आना, तो ये सब राजनीति का भूकंप जारी है। फिलहाल मेष लगन वाले जातकों का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। चंद्रमा का एंट्री पॉइंट जो है येल्लो से और एग्जिट पॉइंट जो है ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो चंद्रमा की जो स्थिति यहाँ पर बन रही है वो आप इसको 3 फेज में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रमा देखिए यहाँ पर पहले हाउस में, 9th हाउस में रहेगा, फिर 10th, 11th और थोड़ा सा ये 12th हाउस में जा पाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसको संक्षेप में हम समझते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो रहने वाला है इस हफ्ते, आपका सामान्य से कुछ खराब स्वास्थ्य हो सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट होना यहाँ पर आम बात रहेगी। और जिनके लीवर में या जिनके किडनी में स्टोन्स की शिकायत है उनको काफ़ी सावधानी यहाँ पर बरतना चाहिए। विशेष रूप से हफ्ते का जो अंतिम दिन रहेगा जब चंद्रमा द्वादश में रहेंगे उस समय ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले ये पूरा हफ्ता थोड़ा मिला जुला हुआ असर देने वाला हफ्ता रहने वाला है। विशेष रूप से अगर आपको देखना है तो दैनिक राशिफल में मैं एक एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आ रही है, आपके कार्य व्यवसाय को लेकर जो ज्वाइनिंग्स वगैरह थी उसमें डिले होना, और साथ में आपके मान पद प्रतिष्ठा में हालांकि वृद्धि तो होगी लेकिन कई बार कठिनाइयों का सामना भी इस हफ्ते आप देखिएगा। आय के क्षेत्र में आपका जो प्रयास है वो बढ़ेगा और उसके कारण जो है कुछ जो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे वो थोड़ा सा कम होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ इस हफ्ते में। हालांकि अभी भी गोचर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अष्टम में ही केतु, सूर्य, मंगल और बुध सभी ग्रह अष्टम में और राहु की भी दृष्टि है, तो इस समय चोट चपेट लगने की घटना जो है इस हफ्ते होने की संभावना ज़्यादा रह सकती है। इसके अलावा धन की स्थिति ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सामान्य रूप से पहले से तो अच्छा रहेगा, लेकिन गोचर जो है थोड़ा ख़राब चल रहा है तो धन के संचय में थोड़ी सी परेशानी रहेगा। पैसे आएंगे लेकिन वो टिकने वाले नहीं रहेंगे।
यात्राओं को लेकर देखा जाए तो यात्राएं इस हफ्ते सामान्य से कुछ ज़्यादा यात्राएं आप कर सकते हैं, और यात्रा करने से कुछ थकावट आप महसूस कीजिएगा, और इस महसूस करने के कारण जो है थोड़ा सा आपको बीच में कुछ योगा प्राणायाम वगैरह भी आपको लगातार करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा ये हफ्ता अच्छा बीतते। दैनिक राशिफल में प्रत्येक दिन के लगभग क्या करना चाहिए ये मेंशन कर दिया जाता है। इसके अलावा पार्टनर की बात किया जाए, आपके जीवन साथी की बात किया जाए, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर या आपके दैनिक रोजगार के लिए बात किया जाए तो सामान्य से अच्छा बीतने वाला है। यहाँ पर आपके मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, हालांकि कुछ शत्रु आपके मान पद प्रतिष्ठा को दूषित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका जो मेहनत है, जो आपका पराक्रम है, वो आपके लिए अच्छा प्रभाव यहाँ पर देगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो शिक्षा की स्थिति जो रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है, यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए कोई दिक्कत नहीं। संक्षेप में कहा जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए शिक्षा आपके लिए अच्छी होने वाली है। आय के स्रोत तो बढ़ेंगे, लेकिन आय के कारण जो संचित धन है वो टिकेगा नहीं, और यात्राओं के अकस्मात काफ़ी योग बन रहे हैं। नौकरी में जिन लोग को ज्वाइनिंग करना है उसमें कुछ विलंब हो सकता है, ये मेष लगन वाले जातकों के लिए गोचर का परिणाम है। हो सकता है कि इसमें कुछ वेरिएशन आपको देखने को मिले, क्योंकि सबका जो दशा अंतर दशा चलती रहती है वो अलग होती है। अब हम वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन का चार्ट भी आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। वृषभ लगन में यहाँ पर सबसे जो निगेटिव अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है वो केतु, बुध, सूर्य और मंगल, ये सारे ग्रहों की जो युति बन रही है वो भी सप्तम स्थान पे बनना एक प्रकार से जीवन साथी को किसी ना किसी तरीके से परेशानी देने वाला है। आपके संबंध भी जीवन साथी के साथ खराब होंगे, और आपको अगर लीवर किडनी से रिलेटेड परेशानी है तो उसमें थोड़ा सा इस समय जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा वो आपको इस हफ्ते के मध्य तक राहत आपको दे देगा। फिर भाग्य का सहयोग भी आपको मिल रहा है और धन का संचय भी मिलेगा। तो एक एक करके देख लेते हैं, पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य जो रहेगा इस हफ्ते सामान्य से अच्छा रहने वाला है। जो रोग या दोष जितने भी थे वो सारे रोग आपके 10 तारीख के बाद, जैसे ही बुध 8 दिसंबर के बाद जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन होगा वैसे ही कुछ रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर भाग्य का आपको साथ भी मिलेगा, शेयर सट्टा लॉटरी से भी आप लाभान्वित रहेंगे इस हफ्ते। इसके अलावा जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट होना या उनसे वैचारिक रूप से मतभेद हो जाना, बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद हो जाना, ये सारी चीज़ें अभी भी लगी रहेंगी। और कार्य व्यवसाय में कुछ चीज़ें आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, इस समय कुछ ना कुछ बात ऐसी आ जाएंगी जिसमें डिले हो जाएंगी। सकारात्मक पक्ष आपको इस हफ्ते कम दिखाई देगा, भले ही चंद्रमा अष्टम से लेके एकादश स्थान पर भ्रमण कर रहा हो, लेकिन जो गोचर की अवस्था बनी हुई है उसमें पूरा डीप एनालिसिस तो मैं दैनिक राशिफल में बता देता हूँ, बट संक्षेप में अगर मैं देखता हूँ स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा बीतने वाला है। नौकरी व्यवसाय में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का अनुभव आप करते हुए देखिएगा। धन का जो मालिक है वो सेवेंथ हाउस में जा रहा है, और डिग्री वाइज ये लास्ट 2 दिन पहले ये प्रवेश करेगा, अर्थात 10 को प्रवेश करेगा, तो उसके प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा धन के टिकने की संभावना ज़्यादा रहेगी। हालांकि फाइनेंस में अभी भी मैं यही राय दूंगा कि आपको अपने धन को पूरे तरीके से बचत करके रखना चाहिए आगे आने वाले समय में, लेकिन दो बातें यहाँ पर और भी क्लियर हो जाती है कि आपका जो भाग्य है वो पहले से ज़्यादा साथ देगा, और पराक्रम भी आपका बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा भी इस हफ्ते आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन किसी बात को लेकर मानसिक तनाव का बढ़ जाना और साथ में दैनिक रोजगार के क्षेत्र में और ये जीवन साथी को लेकर कुछ ना कुछ विवाद इस हफ्ते भी लगे रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छा है, और जिनके विवाह नहीं हुए थे उनके विवाह के योग भी इस हफ्ते बन रहे हैं। मिथुन लगन की बात किया जाए, देखिए मिथुन लगन में ये स्थिति और भी अच्छी हो रही है, पहले से और अच्छा हो रहा है।
यानी पहले तो मिथुन लगन में अच्छी थी स्थिति, लेकिन अब स्थिति अच्छी हो रही है। और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब समय अच्छा है तो सारे रुके हुए कार्यों को पूरा कर लीजिए। केतु, सूर्य, मंगल, ये सभी आपके अष्टम में जाकर बैठे हो, छठवें घर में जाके बैठे हैं। आपका लग्नेश छठवें घर में बैठा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इस हफ्ते रहेगा, क्योंकि 10 तारीख के बाद इसका राशि परिवर्तन होकर ये जब अष्टम में चले जाएंगे तब आपको परेशान करेंगे। और वैसे भी चंद्रमा का जो गोचर रहेगा सप्तम से लेकर दशम स्थान पर रहेगा। तो संक्षेप में देखते हैं स्वास्थ्य की स्थिति। तो स्वास्थ्य की स्थिति में सामान्यतः स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अंतिम 2 दिनों में यानी 10, 11, 12, 3 दिनों की बात कर लिया जाए तो उसमें स्किन से संबंधित किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाना, अर्थात त्वचा विकार होना, ये सब चीज़ें मैं चेक कर पा रहा हूँ। नर्वस सिस्टम से अगर कुछ परेशानियाँ चल रही हैं तो वो भी परेशानियाँ कुछ बढ़ेंगी हफ्ते के अंत तक। हालांकि हफ्ते का प्रारंभ, मध्य और प्रारंभ काफ़ी अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अंत जो रहेगा हफ्ते का वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जीवन साथी की बात करते हैं। देखिए, जीवन साथी या रोजगार, दैनिक रोजगार दोनों को एक साथ मैं कन्वर्ट चेक कर लेता हूँ। कार्य व्यवसाय को भी एक ही साथ इसमें इंक्लूड कर देता हूँ। कार्य व्यवसाय, दैनिक जीवन, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो आप प्रयास कर रहे हैं वो भी आपका अच्छा परिणाम यहाँ पर मिलेगा। थोड़ी सी कठिनाइयाँ हफ्ते के मध्य में देखने को मिलेगी, जब चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा तब थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। और इस समय अपने आप को कोल्ड कफ से बचाइएगा। हफ्ते का जो अंतिम 3 दिन जो मैंने बताया उसी समय कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है कोल्ड कफ को लेकर, बाकी तो सामान्यतः स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और आपकी मेहनत भी इस समय बढ़ेगी। छोटे भाई बहन का आपको पूर्ण रूप से यहाँ पे सहयोग मिलेगा और जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के भाग्य से आपका भाग्य चलना और आपका गोचर भी अच्छा चल रहा है, तो हर तरीके से कार्य व्यवसाय में भी आपको इस हफ्ते लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। विद्यार्थी वर्गों की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा को लेकर जो विद्यार्थी वर्गों का जो प्रयास है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और यहाँ पर पंचमेश का सप्तम में बैठना ये एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। और जो सप्तमेश है वो नवम स्थान पे बैठा हुआ है, अर्थात कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा और भाग्य के लिए भी अच्छा। भाग्य भी यहाँ पर अच्छा रहने वाला, और कोई घटना घटित होने वाली हो इसका भी इंट्यूशनल पावर आपको काफ़ी तेजी से किसी ना किसी मीडियम से आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो हर तरीके से मिथुन लगन वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। धन की स्थिति देखा जाए तो धन की स्थिति में सुधार आएगा। पिछले हफ्ते से लेकर देखा जाए तो धन की स्थिति में सुधार आएगा और ये धन की जो स्थिति रहने वाली है इसमें इनकम आपका बढ़ेगा और कार्य व्यवसाय को एक नई दिशा मिल जाएगी। एक नया आपको टारगेट मिल जाएगा कि अब ये चीज़ें जो पहले से खराब चल रही थी वो सब चीज़ें अब रुक जाएंगी, अब ठीक चीज़ें या पॉजिटिव चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो गोचर मिथुन लगन का और भी बेहतरीन हो रहा है इन राशि परिवर्तन के फलस्वरूप। इसके बाद जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके लिए भी, क्योंकि सप्तमेश जो होता है वो सप्तम स्थान का जो मालिक है वो बृहस्पति, जिसको सप्तमेश कह रहे हैं, वो भाग्य में बैठा है। और जिस जो सप्तम का कारक होता है शुक्र, वो खुद कारक भाव में बैठा है। तो इस विवाह पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मिथुन लगन वाले जातकों का भाग्य बढ़ेगा और साथ में विवाह जिनके नहीं हुए थे उनके विवाह के योग भी यहाँ पर बनेंगे। अब हम बात करते हैं कर्क लगन के लिए। सबसे भावुक लगन यानी कर्क लगन, आपका लग्नेश ही एक दिन में एक नक्षत्र क्रॉस करता रहता है, इस कारण से आप काफ़ी भावुक होते हैं। ग्रहों की स्थिति में क्या चेंजिंग आ रहा है इसको हम चेक करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो शुक्र आपको भले ही यहाँ पे छठवें घर में दिख रहा है लेकिन वो राशि परिवर्तन करके सप्तम में चला जाएगा, तो एक प्रकार से कहा जाए एक लंबा प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना जिससे मानसिक रूप से शांति मिलना, ये सब कुछ इस हफ्ते आपका होने वाला है। लेकिन संतान के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गिरावट होना और ज़रूरत से ज़्यादा टेंशन ले लेना ये थोड़ा मानसिक रूप से आपको अभी भी परेशान करेगा। नो डाउट पिछले हफ्ते को ले के रिस्पेक्ट में अगर इस हफ्ते की बात किया जाए तो स्थितियां पहले से सुधरी हैं, ऐसा नहीं कि खराब हुई हैं। इस हफ्ते की जो स्थिति बन रही है वो अच्छी रहेगी, लेकिन अभी भी मानसिक तनाव ज़्यादा लेंगे,
तो परेशानी रहेगा। और यहाँ पर विद्यार्थी वर्गों के लिए भी बहुत अच्छा परिणाम यहाँ नहीं मिलने वाला है शिक्षा को लेकर, क्योंकि अष्टम में जो बृहस्पति देव जाकर बैठे हुए हैं, जो कि पंचम के कारक भी माने जाते हैं ये, और साथ में पंचम पे सूर्य मंगल और केतु, यहाँ पर केतु लिखा नहीं है, तो केतु के कारण जो है ये उपस्थित होने के कारण यहाँ पर थोड़ी परेशानी आएगी और विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग समय रहेगा। बेहद धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर अंकित रह पा रहे हैं या अच्छे अंक नहीं हो रहे हैं तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बृहस्पति देव जो आपके शिक्षा के कारक भी हैं वो भी जाकर आपके अष्टम में जाकर बैठ गए हैं, तो कुछ ना कुछ व्यवधान यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। इस हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो चंद्रमा का गोचर भी दिख रहा है, छठे सातवें आठवें में ज़्यादातर टाइम रहेगा, तो पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में इस हफ्ते थोड़ी सी ट्रैवलिंग बढ़ जाना, थोड़ी से गुप्त शत्रुओं का हावी हो जाना ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और यात्राओं के कारण आपके कई कार्य भी बनेंगे, और जो धन की समस्याएं चल रही थी वो धन की समस्याएं अब धीरे धीरे जो रहने वाली हैं वो खत्म होने वाली है, और आपके पास धन का संचार अब होगा। पहले अगर आप चेक कर रहे होंगे तो धन की बहुत ज़्यादा किल्लत, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ गई थी, धन के संचार होने में दिक्कत हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से परिस्थिति बदल जाएगी, लेकिन पहले पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में इस हफ्ते थोड़ी सा बेटरमेंट आपको देखने को मिलेगा, और यात्राएं इत्यादि काफ़ी इस हफ्ते हो सकती हैं जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब हम सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए साप्ताहिक राशिफल का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरा डिटेल एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी दशा क्या चल रही है, क्योंकि ये गोचर का परिणाम है, हो सकता है कि आप पर बहुत सूट करता हो सकता है कि आंशिक रूप से कुछ लगता कुछ फील होता हो कि जैसा बता रहा हूँ इस तरीके की चीज़ें गोचर में हो रही हों, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट प्रडिक्शन जो होता है वो आपकी लग्न कुंडली और गोचर दोनों को मिलाकर ही होता है। फिलहाल हम बात करते हैं सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए सिंह लग्न वाले जातकों की स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है इस हफ्ते भी। एक तो चंद्रमा जो आपके ऑलरेडी अस्पताल के खर्चों का मालिक, विदेश का मालिक, द्वादश का मालिक होकर छठे सातवें आठवें घर में ज़्यादातर टाइम रहेगा, तो ये समय जो रहेगा काफ़ी संघर्षपूर्ण टाइम हो सकता है। किसी ना किसी तरीके से 12 दिसंबर तक का टाइम निकालना और 16 दिसंबर तक का टाइम निकालना, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करूंगा, स्वास्थ्य यहाँ पर चेस्ट में कंजेशन मुझे सिंह लगन वाले जातकों का स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। चतुर्थ स्थान पर सूर्य, बुध, केतु, मंगल सारे ही निगेटिव ग्रह एक साथ जाकर बैठ गए हैं, तो किस तरीके से आपको सुखी होने देंगे सिंह लगन वाले जातक, तो मिला लीजिएगा इस बात को जो मैं बता रहा हूँ। मानसिक तनाव तो बढ़ाएगा ही, और भूमि, वाहन, मकान से संबंधित भी कोई ना कोई एक नया परेशानी आपको ला सकता है। और इस समय शेयर सट्टा लॉटरी से जितना दूर रहिए, जितना हाथ जोड़ लीजिए उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए स्थिति बहुत अच्छी नहीं है इस हफ्ते की दिखाई दे रही है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर सबसे ज़्यादा चिंता मुझे सिंह लग्न वाले जातकों के लिए इस हफ्ते दिख रहा है। मैं ऐसा कामना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहिए, लेकिन फिर भी गोचर में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और कोल्ड कफ का मौसम भी जनरली चल रहा है, तो चेस्ट का कंजेशन हो रहा, श्वास नली में परेशानी होना अभी भी ये लगा रहेगा। और साथ में जो शुक्र देव आपको दिखाई दे रहे हैं, शुक्र हालांकि मकर में चले जाएंगे, और शुक्र का मकर में देखना तो एक तो स्थान परिवर्तन, कार्य व्यवसाय के लिए स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। इस समय अपने बॉस से इस हफ्ते किसी भी तरीके का तू तू मैं मैं ना करें, नहीं तो विवाद आपके लिए काफ़ी बढ़ेगा। इस समय सिंह लगन है, लेकिन सिंह लगन यानी शेर वाली या अति आत्मविश्वास वाली कोई बातें अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब समय खराब होता है तो समय उस खराब समय को भी हमें निकालना होता है, उतने ही कॉन्फिडेंट के साथ खराब समय को भी निकालना होता है, उतने ही कॉन्फिडेंटली हमें अच्छे समय को भी निकालना होता है। तो समय अगर खराब हो तो इस समय कुछ भी नया निवेश मत कीजिएगा, किसी पर भी ब्लाइंड फेथ इस समय करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। और हफ्ते के अंत तक आते आते स्थितियां धीरे धीरे थोड़ी सी अच्छी होती जाएंगी। धन को लेकर अगर बात किया जाए तो धन को लेकर जो स्थिति है वो कुछ हद तक पहले के रिस्पेक्ट में कुछ
ठीक होगी, लेकिन बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद जो है आपका लग्नेश जो है राशि परिवर्तन करेगा, लेकिन अभी इसने गणेश को अस्त किया, वो अस्त करने की स्थिति में भी उत्पन्न हो जाएगा, तो थोड़ी सी परेशानियां तो बढ़ाएगा, तो धन के संचार में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसके अलावा छोटे भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन छोटे भाई बहन के स्वास्थ्य में दिक्कत और आपके भी स्वास्थ्य में दिक्कत, ये दोनों ही परेशानियां यहाँ पर रहेंगी। और अगर परेशानियां हैं तो मैं गलत नहीं बोलूँगा यहाँ पर कि परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऑनेस्टली यहाँ पर प्रिडिक्शन देना है, मुझे किसी पर्टिकुलर लोगों के बारे में सोचकर प्रिडिक्शन नहीं देना है। यहाँ पर सिंह लगन में जो जो स्थितियाँ बन रही हैं वो स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता वाली विषय बन रही है, और ऐसा नहीं है कि सभी के लिए ऐसा होगा, आपकी दशा अंतर दशा पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। कार्य व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का योग बन चुका है सिंह लगन में, और अगर स्थान परिवर्तन नहीं होगा तो कुछ यात्राएं इतनी ज़्यादा हो जाएंगी जिसके कारण आप थकावट का अनुभव करेंगे। पॉजिटिव चीज़ों में देखा जाए तो अभी आपका जो भाग्यश है वो सुख में जा रहा है, तो भाग्य से सुख की अनुभूति मिल जाएगी। इस समय जितना ज़्यादा बजरंगबली का आप हनुमान चालीसा कर लीजिए, जितना ज़्यादा बजरंगबली को सच्चे दिल से याद कर लीजिए, जितना ज़्यादा आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लीजिए वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके माता को भी यहाँ पर कष्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार के ऑपरेशंस होना या किसी प्रकार की परेशानियों का बढ़ जाना, विशेष रूप से घुटनों में दर्द वगैरह बढ़ जाना सिंह लगन वाले जातक की माता के लिए ऐसा योग यहाँ पर इस हफ्ते पूरा लगे रहने वाला, और ये कम नहीं होने वाला है। अकस्मात आग लगने की घटनाएं भी घर के किसी पोर्शन पे हो सकती है, विशेष ध्यान दीजिएगा इसके लिए। अब हम कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए डिटेल एनालिसिस तो थोड़ा करना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट डिटेल एनालिसिस किए हुए हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा चतुर्थ से लेकर सप्तम स्थान तक होगा, लेकिन ग्रहों की स्थिति भी देखिए। राशिफल में मैं सारे ग्रहों की स्थिति को भी चेक करता हूँ। कन्या लगन में बेसिकली जो ये तीनों ही ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, जिनको मैंने ब्लैक कलर कर दिया हुआ है, 6 दिसंबर और 12 दिसंबर वाले टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये सारे ही ग्रह जितने भी जगह दिखाई दे रहे हैं, एक तो छोटे भाई बहनों को कष्ट देना, छोटे भाई बहन हिंसात्मक रूप से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। या तो आपके गले में कुछ परेशानी, श्वास नली में परेशानी, या किसी प्रकार के एलर्जिकल प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोगों की लीवर फैटी है, उनको विशेष रूप से ध्यान देना है, बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात स्वास्थ्य को लेकर इस हफ्ते निकल के नहीं आ रही है। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बाद आपके कार्य व्यवसाय के लिए आपके जीवन साथी की स्थिति के बारे में। देखिए जीवन साथी से कुछ ना कुछ वाद विवाद अभी भी रहेगा, आपका सप्तमेश ऑलरेडी आपके सप्तम स्थान से द्वादश में है, इसलिए बहुत अच्छा परिणाम तो यहाँ पर नहीं देने वाला है, और इस कारण से आपके जीवन साथी के अस्पतालों पर खर्च हो जाए जिसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहेगी। इसके अलावा आय के जो साधन रहेंगे वो सामान्य रूप से आपके बढ़ेंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ मदद आपको छोटे भाई बहनों से या किसी मित्र या रिश्तेदारों से आपको शायद यहाँ पर मिल जाएगा, जिस कारण से आर्थिक स्थिति पहले से सुदृढ़ हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है यहाँ पर जिसको लेकर सावधानी भी आपको बरतना पड़ेगा। पहली चीज़ तो है कि जो लोग डायबिटिक हैं उनको विशेष सावधानी यहाँ पर बरतना है, और दूसरा जिनके छोटे भाई बहन हैं या तो उनको परेशानी, या तो आपके श्वास नली में कुछ ना कुछ एलर्जिकल प्रॉब्लम इस हफ्ते मैं देख पा रहा हूँ। हफ्ते का जो मध्य रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहने वाला, हफ्ते का अंत और हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा थोड़ा कठिन
कठिनाइयों से भरा हुआ यह हफ्ता रह सकता है। आय के बारे में देखा जाए तो आय के स्रोत बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कम रहेंगे। और जिनके क्योंकि मकर में चले जाएंगे, आपका धनेश मकर में चला जाएगा, मायने में चला जाएगा, तो जो लोग बिजनेस संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा। और ये जो फंड आने वाला है वो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए, धन की स्थिति पहले से अच्छी हो जाएगी। ये ठीक है कि धन की स्थिति आपके पहले से ज़्यादा अच्छी होगी, और उसको लंबे टाइम तक के लिए, मतलब एक बड़ा अमाउंट हो सकता है जिसको इंस्टॉलमेंट में मिले, चाहे वो लोन के रूप में ही मिले चाहे जैसे भी मिले, लेकिन बड़ा अमाउंट आपके पास आ सकता है और लंबे टाइम तक वो अमाउंट आपके पास रुक जाएगा, ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। अब बात करते हैं विद्यार्थी वर्गों के लिए। देखिए विद्यार्थी वर्गों के लिए जो स्थिति बन रही है वो काफ़ी मेहनत करने वाली स्थिति अभी भी बन रही है। काफ़ी मेहनत करने के बाद ही आप किसी मेहनत को परिणाम में कन्वर्ट कर पाइएगा। अगर इस समय कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, लगातार मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद ही आपको सफलता यहाँ पर मिलेगा। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है यहाँ पर विद्यार्थी वर्गों के लिए, मेहनत ही करना है। और दूसरा, अगर आपके पास समय है तो शुक्र का बीज मंत्र कर लीजिए और बुध का बीज मंत्र कर लीजिए इस पूरे हफ्ते। हफ्ते का जो मध्य रहेगा थोड़ा आपको रिलैक्सेशन ज़रूर यहाँ पर देगा, प्रारंभ और अंतिम में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए साप्ताहिक राशिफल का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्या किया जाए, लेकिन सारी चीज़ों को, सारे ग्रहों को नाप तौल के उसके बाद सारी दृष्टियों को देखकर ही पूरा बताना सही रहता है। केवल चंद्रमा के पोजीशन से देख के बता दिया जाए वो सही नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है। देखिए तुला लग्न में पिछले हफ्ता क्या चल रहा था और इस हफ्ते क्या है, पहले भी धन में समस्याएं चल रही थी, अभी भी धन में समस्याएं कंटिन्यू रहेगी, इवन धन की समस्या और ज़्यादा बढ़ेंगी। आप पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो पहले तो केवल सूर्य थे वहाँ पर उपस्थित, अब तो मंगल और मतलब सूर्य के साथ केतु थे धन स्थान पर, अब मंगल भी वहाँ पर जाकर बैठ जाएंगे। और ये कहा गया है ज्योतिष में कि सूर्य मंगल और केतु की जो युति होती है जहाँ पर रहते हैं उस भाव को जला देते हैं पूरे तरीके से। तो परिवार में किसी प्रकार के जलाने का यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि आग लग जाएगा, यहाँ पे जलाने का मतलब सेपरेटिंग टेंडेंसी का, परिवार में कुछ विवाद हो जाए, धन का तो संचित तो होने में ही बड़ी प्रॉब्लम रहेगी तुला लग्न वाले जातकों के लिए। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही हो तो बात अलग हो सकती है, लेकिन गोचर में इस समय परिणाम बहुत अच्छे तुला लग्न वाले जातकों के लिए एटलीस्ट नहीं है। हालांकि शेयर सट्टा लॉटरी से कुछ लाभान्वित आपको करा देगा, भाग्य का साथ दे देगा, लेकिन फिर भी जो गोचर की स्थिति बन रही है वो बहुत अच्छी अभी भी नहीं बन रही है। विशेष रूप से आपको अपने परिवार में पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सभी को एक साथ जोड़ कर रखने की ज़रूरी, मतलब सभी को एक साथ लेकर चलिए वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर गलती से भी अगर वाड़ी उग्र हो जाता है, क्योंकि वाड़ी स्थान पर सूर्य देवता कभी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, और ग्रसित भी हो रहे हैं, 4 तारीख को इनका चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, और ये ग्रहण का इफेक्ट भी आज के वीडियो में आपको मिल जाएगा, आज ही इसको पब्लिश किया जाएगा। तो ये जो टोटल ग्रहण भी लग रहा है और धन के स्थान पर ग्रहण लग रहा है, और साथ में इस हफ्ते में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो धन के संचार में बहुत परेशान करेगी। स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो स्वास्थ्य का मालिक जो है उदर संबंधित छोटी मोटी बीमारियां हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई मेजर बीमारियां हो ऐसा नहीं होगा। और सामान्यता देखा जाए तो आर्थिक स्थिति को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी, जीवन साथी का सहयोग भी आपको मिलेगा और कार्य व्यवसाय को लेकर भी आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे, चाहे हफ्ते का पहला पार्ट हो या दूसरा पार्ट हो या तीसरा पार्ट, तीनों ही पार्ट में आपको लगभग लगभग अच्छे परिणाम मिलेंगे। हफ्ते के अंतिम दिन थोड़े से दौड़ धूप बढ़ना, एसिडिटी का बढ़ जाना, ये सब चीज़ें मैं चेक कर पा रहा हूँ। किसी प्रकार के नए निवेश करने से बिल्कुल बचना चाहिए, और ब्लाइंडली अगर आप यहाँ पर निवेश कर रहे हैं तो विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जिससे भी करवाना है आप वो करवाइए, और गोचर को भी आप चेक कीजिए जो बताया हूँ, उसके बाद ही कोई अंतिम परिणाम आपको लेना चाहिए।
विद्यार्थी वर्गों के लिए ये पूरा हफ्ता बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला है। अगर कोई चीज़ इस हफ्ते अच्छा होने वाला है तो दो ही चीज़ अच्छा होने वाला है, एक तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो रहेंगे थोड़े से जो खराब हो गए थे वो अब जाके ठीक होता हुआ दिखाई देगा, माइंड मानसिक रूप से जो तनाव चल रहे थे वो थोड़े से कम हो जाएंगे और विद्यार्थी वर्गों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन धन की स्थिति निश्चित रूप से अभी बहुत अच्छी नहीं है, परिवार में विवाद होने की संभावना पूरे तरीके से, और गले को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, गले में इन्फेक्शन हो जाना, और वो भी इन्फेक्शन होगा तो काफ़ी लंबे टाइम तक, वह विशेष रूप से जिनको टॉन्सिलाइटिस वगैरह होता है उनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब हम वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए वृश्चिक लगन में इस पूरे हफ्ते में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, एक तो आपका लग्नेश जो काफ़ी दिनों से द्वादश में जा रहा था अब आपके लगन में आ गया। लग्नेश का लगन में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, कभी खराब रिजल्ट ये नहीं देता है, लेकिन सूर्य भी हो लगन में जो कि दशमेश है वो भी अच्छा, और केतु जो यहाँ पर बैठा लगन में यही एक निगेटिव यहाँ पर काम करेगा जो कि आपके जॉब में स्थान परिवर्तन कराना, कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न कर देना, कोई भी काम एक बार में इस हफ्ते नहीं होने, इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिएगा, कोई भी काम करेंगे वो एक बार में नहीं होगा। और दूसरी बात किया जाए तो छोटे भाई बहनों को जो विदेशों से कुछ लाभान्वित मिल सकता है, या आपको भी कुछ विदेश में अगर कोई आप या ऑनलाइन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ऑनलाइन भी आजकल विदेश हो जाता है, तुरंत नेटवर्किंग के थ्रू आप कहीं पे भी पहुंच जाते हैं, तो विदेश का मतलब ऑनलाइन भी होता है, तो यहाँ पर ऑनलाइन से काफ़ी मदद मिल जाना जिससे कि आर्थिक स्थिति कम से कम सही रहे, तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। हालांकि किसी प्रकार का लोन ले लेना ये सब चीज़ें भी आपके लिए इस समय परिस्थिति के अनुसार धन के आगमन का संकेत कर रहा है, और छोटे भाई बहनों को किसी मुकदमेबाजी से कोई पॉजिटिव रिजल्ट इस हफ्ते मिल जाए ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर देखते हैं, सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात स्वास्थ्य। देखिए स्वास्थ्य को लेकर केवल उन लोगों को परेशानी होगी जिनको रक्त संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां रहती हैं, जिनको स्किन में एलर्जी ज़्यादा रहती है, वृश्चिक लगन उनको ज़्यादा इस हफ्ते कुछ परेशानियां रह सकती हैं। बाकी पूरा हफ्ता देखा जाए तो आपके पक्ष में ही हफ्ता रहने वाला है, भाग्य से धन भी आएगा, पराक्रम भी बढ़ेगा और आपको सुख की भी अनुभूति करेगा। विद्यार्थी वर्गों की बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों को भी हर तरीके से सफलता यहाँ पर मिलने वाला है। परेशानी क्या चीज़ है, ये तो कुछ चीज़ें मैंने पॉजिटिव भी बताया, परेशानी कहाँ पर है आपके जीवन साथी को लेकर, जीवन साथी के साथ एक बार पुनः वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ये वाद विवाद की जो स्थिति होगी ये किसी बहुत लंबे डायरेक्शन में चली जाए ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ, और इसलिए थोड़ा सा वाद विवाद ना हो इसलिए यहाँ पर ओम नमः शिवाय का आप लोगों को जाप करते रहना चाहिए। आपको याद हो कि नवम त्रिकोण का मालिक चंद्रमा है और साक्षात शिव के समान माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर शिव जी की जितनी आराधना कीजिए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लग्नेश को ज़्यादा प्रबल अभी करेंगे तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकता है, सूर्य मंगल और केतु जब भी किसी भाव में रहते हैं उस भाव का नाश करते हैं तो शरीर में दुर्बलता आ जाएगी, किसी सोच को या किसी परेशानियों को लेकर अकस्मात दुर्बलता आएगा, मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, हफ्ते के लास्ट में जाकर थोड़ा सा बढ़ जाए ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल हफ्ते जो ये जो पूरा हफ्ता रहेगा चंद्रमा द्वितीय भाव से लेकर पंचम में रहने वाले हैं तो ओवरऑल अच्छा परिणाम देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं आपके कार्य व्यवसाय को लेकर, तो कार्य व्यवसाय में पहले से ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रहा है, छोटे भाई बहनों को भी लाभ मिल रहा है, लेकिन भूमि वाहन मकान से संबंधित किसी भी कार्य को अभी नहीं करना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि जितना पोलाइट किसी से बात करें उससे काम निकाल ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानियाँ अभी
बढ़ सकती है। तो वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए हफ्ता तो सामान्य से अच्छा जाएगा, लेकिन जीवन साथी के साथ विच्छेद होने की स्थिति या जीवन साथी के साथ तनाव की स्थिति भी इस हफ्ते हो सकती है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी कई प्रयास करना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, वो एक भी बिजनेस अभी सूट नहीं करेगा इस समय। बिल्कुल भी कोई नया इनिशिएटिव मत लीजिएगा। अगर आपको इनिशिएटिव लेना भी हो तो आपको कंसल्टेशन लेकर ही करना चाहिए। आप जिससे भी कंसल्टेशन ले रहे हो, लेकिन मेक श्योर आप विदाउट कंसल्टेशन लिए हुए यहाँ पर कोई नया काम नहीं कर सकते। गोचर बिल्कुल सपोर्ट अभी नहीं कर रहा है नए काम और व्यवसाय को, विशेष रूप से जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनके साथ विवाद हो सकता है। अब धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए धनु लग्न में इस समय ग्रहों की स्थिति पहले से और अच्छी हो गई है। गुप्त शत्रु तो पूरे तरीके से यहाँ पर खत्म होंगे, पूरे तरीके से तो कभी गुप्त शत्रु नहीं खत्म होते, लेकिन लगभग लगभग गुप्त शत्रु जो आपको आंखें दिखाया करते थे, जो आपसे काफी ऊंची आवाजों में बात करते थे, सब नीचे आ जाएंगे, सब धीरे धीरे आपसे दबके ही बात करेंगे। आपके गुप्त शत्रुओं का नाश होगा, ये कन्फर्म है। लेकिन विदेशों में आपके रिलेशन कुछ खराब हो सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं धनु लग्न वाले जातक हैं, उनको अपने बातों पर, अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम देना चाहिए। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पे भी मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है। हो सकता है अधिक से अधिक अगर परेशानी आती है तो डायबिटिक या हार्ट को लेकर अगर कोई परेशानी है, जिनको ऑलरेडी है उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है सबसे, अन्यथा हफ्ता काफी अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा जो है लगन से लेकर चतुर्थ स्थान पर रहेगा तो अच्छा ही परिणाम देगा, खराब परिणाम नहीं देने वाला है। धन की स्थिति भी पहले से और अच्छी होती जाएगी, और जो लोग धन के लिए प्रयासरत थे उनके पास अब स्थिति इस हफ्ते सुख की भी अनुभूति देगा। और फंसे हुए धन को तो मैं 110% यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये निकाल के लाएगा, पैसे कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देगा, चाहे डायरेक्ट व्यवस्था करे चाहे इनडायरेक्ट, लेकिन पैसे आएंगे आपके पास। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा और इस समय महाधन योग का निर्माण हालांकि गोचर में हो रहा है। इनकम का मालिक धन के स्थान पे बनना महाधन योग बना देता है। तो धन की मैं वर्षा वर्ड यूज करना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि धन की वर्षा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना धन जरूर आ जाएगा जितनी आपको जरूरत है और जिससे आपको परेशानी ना हो, और कुछ सेविंग भी अच्छी खासी आप कर पाइए। तो ये परफेक्ट वर्ड यहाँ पर कहना होगा। लेकिन मेहनत के लिए देखा जाए तो मेहनत बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय के लिए बात किया जाए तो कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन के योग बढ़ रहे हैं या लंबी ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं धनु लगन वाले जातकों के लिए। और विद्यार्थी वर्गों के लिए बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए भी कुछ ना कुछ उदर संबंधित पीड़ाएं हो जाना या माइंड को कंसंट्रेट ना कर पाए शिक्षा को लेकर, ऐसा ही सबसे लगे रहने वाला है। इसके अलावा कोई निगेटिविटी नहीं है, बाकी सब चीज़ें तो पॉजिटिव हैं, क्योंकि शत्रु भी खत्म और पैसे भी आ गए और कार्यस्थल पे स्थान परिवर्तन होता है तो वो आपके भले के लिए हो रहा है, आपके इनकम को बढ़ाने के लिए हो रहा है। और विद्यार्थी वर्गों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए मकर लग्न में अगर देखा जाए क्या स्थिति बन रही है, मकर लग्न में जो सबसे पहले आप जो चेक कर रहे हैं इनकम, मतलब चंद्रमा तो आपका द्वादश से लेके द्वितीय स्थान तक गोचर करेगा, लेकिन जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद होने की संभावना, और यहाँ पर आय के साधनों में कुछ ना कुछ गिरावट आप महसूस करिएगा। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा इनकम को या अपने जॉब को सस्टेन करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जॉब के लिए दिक्कत नहीं, लेकिन इनकम बढ़ाने वाला जो पोर्शन होता है, जो लोग ये सोच कर बैठे हैं कि इस हफ्ते उनके प्रमोशन हो जाने चाहिए, वो होगा नहीं। वो उस कारण से आपको थोड़ी सी मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। लेकिन जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं
जो लोग फार्मेसी फील्ड मतलब मेडिकल फार्मेसी या लॉयर वाले फील्ड से हैं उन लोग के लिए काफ़ी अच्छा हफ्ता ये बीतने वाला है। हफ्ते का प्रारंभ वाला कि खर्चों से ज़्यादा रहेगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जो रहेंगी हफ्ते के शेष जो 5 दिन जो बचेंगे पहले 2 दिन को छोड़ के वो आपके पक्ष में रहेंगे। अब स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, तो स्वास्थ्य की जो स्थिति बन रही है इस हफ्ते वो आपके लिए अच्छी बन रही है। थोड़ा सा यहाँ पर जो परेशानियाँ चल रही थी वो सारी परेशानियाँ कम हो रही हैं, लेकिन केवल विद्यार्थी वर्गों के लिए जो शिक्षा है और आपके लिए मानसिक तनाव, आपके बड़े भाई बहनों को मानसिक तनाव हो जाना, ये थोड़ा मकर लगन में अभी भी एक थोड़ा सा परेशान कर सकता है। घर का कोई सदस्य भी अगर परेशान होता है तो पूरे घर में लोग चिंतित हो जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ चिंता का विषय ज़रूर आएगा, लेकिन कुछ शुभ कार्य भी इस ड्यूरेशन में होने वाले हैं। ओवरऑल कहा जाए परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं हैं, लेकिन गोचर वाइज देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर अच्छा है, चंद्रमा का गोचर अच्छा है और जीवन साथी का सहयोग आपको मिलना, नए व्यवसाय में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अच्छा परिणाम दे देना, और कार्य व्यवसाय में प्रमोशन को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों के लिए अच्छा परिणाम देगा। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा में कठिनाइयों का अनुभव होगा और मानसिक चिंताएं जो रहेंगी इस हफ्ते के स्टार्टिंग के 2 दिन, या तो खर्च को लेकर या किसी ना किसी पॉइंट को लेकर मन थोड़ा अशांत रहेगा। किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी से अगर इन्वॉल्व आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें अभी आपको बेहद निगेटिव परिणाम मिलेगा, इसलिए अभी इस हफ्ते किसी भी कोर्ट केस से आपको बचना चाहिए, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि निगेटिविटी बढ़े, और कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा आप शंकर भगवान जी के पर ये शिवलिंग पर आप थोड़ा सा जल लीजिए, उसके अंदर थोड़ा मिश्री डालिए और ओम नमः शिवाय बोलते हुए अगर ये पूरा हफ्ता आप करते हैं तो ये हफ्ता सामान्य से अच्छा हफ्ता ये बीतेगा। ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो धन की स्थिति जो रहेगी वो अच्छी रहेगी, लेकिन मेहनत अभी भी लगा रहेगा। छोटे भाई बहनों का इसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर, आपके कार्य व्यवसाय को लेकर ऑलरेडी मैंने बताया कि कुछ फील्ड वाले लोग जो हैं उनके लिए अच्छा है, और बाकी जो इस क्षेत्र से नहीं जुड़े हुए हैं बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा डिले करा सकता है, लेकिन इस समय आपको आपका जो शुक्र है जो लगन में जाकर बैठा हुआ है जो कि पंचमेश दशमेश दोनों है, ये ही आपको इस समय सपोर्ट करने वाला है, और कोशिश कीजिए शुक्र का बीज मंत्र इस समय जितना ज़्यादा कीजिए उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और शुक्रवार का फास्ट कर लीजिए तो अति उत्तम रहेगा इस हफ्ते में। तो ये मकर लगन हो गया, अब बाकी दो लगन के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम कुंभ लगन की बात करते हैं, स्थितियां क्या कह रही है। सबसे पहले चंद्रमा जो है आपके एकादश से लेकर द्वितीय स्थान पर रहेगा, ठीक है, चंद्रमा एकादश से लेकर द्वितीय स्थान पर रहना, तो आपका हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा एक एक करके पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति देख लें कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है यहाँ पे। तो स्वास्थ्य जो रहेगा स्टार्टिंग हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा जो मध्य रहेगा उसमें किसी बात का अज्ञात भय आपको रह सकता है, मतलब वो चीज़ें नहीं होंगी लेकिन फिर भी मन जो है अंदर से थोड़ा सा परेशान रहेगा, और जैसे ही हफ्ते का अंत चलेगा वैसे ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मन प्रसन्नचित रहेगा और स्वास्थ्य में विशेष परेशानी मैं इस समय नहीं देख रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर जो परेशानी अब स्थिति उत्पन्न हो रही है वो कार्य व्यवसाय को लेकर हो रहा है। कार्य व्यवसाय पर सूर्य केतु मंगल बुध ऊपर से राहु की दृष्टि, ये सभी चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा नकारात्मक यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर कार्य स्थल पर कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाना, प्रमोशन का रोक दिया जाना क्योंकि यहीं पर ग्रहण भी लगने वाला है, तो कार्य व्यवसाय पर विशेष रूप से पूरा अटेंशन दीजिए, जो बॉस कहते हैं अगर वो उचित है आपको करना चाहिए तो निश्चित रूप से उसको आपको पूरे ईमानदारी से आपको करना चाहिए वर्क को, जिससे कि आपके कार्य व्यवसाय में आपको अच्छा यहाँ पर रिजल्ट मिल सके। दूसरा जो है धन तो आ जाएगा, धन के आने में कोई दिक्कत अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यात्राएं अकस्मात हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन आपकी कुंडली में भी आपके लगन में भी गोचर में बन गया है, एक तो नवमेश होकर
शुक्र आपके द्वादश में जाएगा, तो अकस्मात पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, कोल्ड कफ लग जाना, ये सब सामान्य सी बातें रहेंगी। और माता के स्वास्थ्य भी इस समय कहा जाए तो माता पिता दोनों के स्वास्थ्य के लिए कुछ परेशानियां यहाँ पर रहेंगी। इस समय किसी प्रकार के नए व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल अच्छा हफ्ता ये नहीं है। विद्यार्थियों के लिए बात किया जाए तो विद्यार्थी वर्गों के लिए ये हफ्ता जो रहेगा सामान्य से अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये तो आपके किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण आपका आत्मविश्वास को बढ़ा देगा, और साथ में जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग भी यहाँ पर ये बनाने वाला है। एक साथ दोनों ही काम यहाँ पर करेगा, लेकिन कुछ विलंब के साथ ही होगा। हफ्ते का जो प्रारंभ रहेगा वो बहुत अच्छा नहीं है, हफ्ते का बाकी मध्य और अंत वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात कर लें। हमेशा मीन लगन वाले जातकों का कमेंट मैं पढ़ता रहता हूँ, उनको शिकायत रहता है सर लास्ट लगन रहता है इसलिए जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए कोई वीडियो का ड्यूरेशन ऑलरेडी 45 मिनट्स हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा ही डिटेल में बताऊंगा इसको। यहाँ पर मीन लगन वाले जातकों के लिए इस समय जो ये सारे ग्रह जो एकत्र हुए हैं, जहाँ पर आप सूर्य केतु मंगल बुध देख रहे हैं, सभी नवम भाव में जाकर बैठे हैं। इवन नवम भाव का मालिक भी नवम में जाकर बैठा हुआ है, तो पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न कर देगा, ये कन्फर्म है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न कर देना, भाग्य का साथ नहीं देना, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां बढ़ेंगी। और वैसे भी ये जो परेशानी हफ्ते के प्रारंभ में नहीं दिख रही है, हफ्ते के मध्य और अंत में ज़्यादा परेशानी होते हुए दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की बात किया जाए तो लीवर को छोड़कर, अगर लीवर अगर आपका फैटी है और उसमें उसको छोड़कर कोई मेजर परेशानी इस हफ्ते नहीं है, ये रिलैक्सेशन वाली बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कोई बहुत विशेष स्वास्थ्य को लेकर बहुत खराब स्थिति हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बाकी स्थितियाँ बन रही हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, कार्य व्यवसाय को लेकर इस समय स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यात्राएं यात्राएं करते करते थकावट शरीर आपका हो सकता है, या तो पूरे तरीके से काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्थान परिवर्तन हो जाए, तो स्थान परिवर्तन के लिए एकदम रेडी रहिए। इस हफ्ते के मध्य में ऐसा योग पूरे तरीके से बन रहा है, आय के साधन यहाँ पर बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो आपका डैमेज हो सकता है, अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है जिसको आत्मबल कहते हैं, उसमें थोड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन जितना ज़्यादा आप यहाँ पर मंगल अर्थात बजरंग बली की आप सेवा कर लीजिए उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। विद्यार्थी वर्गों के लिए कुछ मिश्रित परिणाम यहाँ पर मिलेगा, हफ्ते का प्रारंभ और अंत तो बहुत अच्छा रहेगा, हफ्ते के मध्य में कोई भी परिणाम आपके पक्ष में नहीं जाएंगे जिसके कारण मन जो है थोड़ा दुखी हो सकता है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में ऑलरेडी स्थान परिवर्तन है, प्रमोशन के किसी प्रकार के योग नहीं बन रहे हैं, अगर योग होगा आपके जन्म कुंडली की दशा अंतरदशा के हिसाब से तो हो सकता है, लेकिन गोचर वाइज तो ऐसा कुछ बन नहीं पा रहा है। इसके अलावा जीवन साथी का सहयोग देख लिया जाए तो जीवन साथी का जो सहयोग रहेगा वो मिश्रित परिणाम देगा, क्योंकि आपका जो सप्तमेश है और जो सप्तम का कारक है वो एक तो शनि के साथ जाकर बैठा हुआ और एक भाग्य में जाकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शनि के साथ बैठने के कारण संबंध को मिश्रित परिणाम यहाँ पर देगा। हफ्ते के प्रारंभ और अंतिम जो रहेगा जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे, लेकिन जो मध्य रहेगा थोड़ा सा आपको परेशान यहाँ पर कर सकता है। तो धन स्थिति कैसी रहेगी इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। धन के लिए जो धन का मालिक है भाग्य में जा रहा है, तो निश्चित रूप से धन का मालिक भाग्य में जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, अभी आप इस चीज़ को समझिए, केवल धन का मालिक भाग्य में जाने से धन नहीं आ जाएगा भाग्य से, वहाँ पे जो सूर्य केतु जो दोनों बैठे हुए हैं ये निगेटिव यहाँ पर कर रहे हैं। जहाँ पर सूर्य आपके रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं और खुद जाके पिता के घर में बैठे हैं, तो पिता को प्रॉब्लम और धन हानि का ही योग अभी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा राशि परिवर्तन सूर्य का हो जाए और सूर्य दिशा बली जब हो जाएंगे तब जाकर आपको थोड़ी सी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा।
तो ये था पूरा डिटेल एनालिसिस इस हफ्ते मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा। एक बार पुनः मैं बता दूं कि इस हफ्ते मैं 2 से 5 तक मुंबई में रहूंगा और 9 दिसंबर को मैं पुणे में अवेलेबल रहूंगा। तो जिनको और 12 तारीख को मैं बैंगलोर में अवेलेबल रहूंगा। तो जिनको जिनको अपनी कंसल्टेशंस बुक करनी है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818131803 इस पर या तो आप व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए या तो हमारी टीम से बात कीजिए और प्रोसेस आप पूछ लीजिए। अभी के लिए इतना ही। यह हफ्ता आपका मंगलमय हो। मैं ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।